विभाग के अनुसार जनपद में आगे भी होगी वर्षा, कहीं होगी धूप तो कहीं होगी छांव। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। नवीन महवा मंडी में 100 रुपए से 120 रुपए किलो तक बिक रहा है हरा मिर्चा, फुटकर में बिक रहा है 40 रुपए पाव। मिर्चा विक्रेताओं ने कहा बारिश की वजह से मिर्चा की आवक हो गई है कम। बरसात को देखते हुए नगर निगम के द्वारा महानगर के सभी नालों की करवाई जा रही है साफ सफाई, शिकायत आने पर पोकलेन भेजकर किया जा रहा है साफ सफाई, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने दी जानकारी। महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, नो पार्किंग में खड़े वाहनों का किया चालान, कहा सड़क पर वाहन खड़ा होने से यातायात होता है बाधित, पार्किंग में वाहनों को करें खड़ा। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मलौनी बंधे का किया औचक निरीक्षण, ग्रामीण वासियों से जाना समस्या, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के अधिकारियों से बाढ़ के संबंध में की समीक्षा बैठक, जाना सभी जिलों के बाढ़ की तैयारी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला सहकारी बैंक के सभागार में सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, 60 किसानों को यूरिया का छिड़काव करने वाली मशीन का किया गया वितरण। नवीन महवा मंडी में हरा मिर्चा 100 रुपए से 120 रुपए किलो तक बिक रहा है। आपको बता दें कि जनपद में अभी तक टमाटर व अदरक के दामों में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब हरी मिर्च के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, जो कि नवीन महवा मंडी में 100 रुपए किलो से 120 रुपए किलो बिक रही है। वहीं फुटकर में 40 रुपए पाव बिक रही है, जिसकी वजह से सभी मिर्चा विक्रेता परेशान है। वहीं इस संबंध में नवीन महवा मंडी के मिर्चा विक्रेता अभिषेक ने कहा कि बारिश की वजह से मिर्चा की फसल खराब हो गई है, जिसकी वजह से आवक कम हो गई है, जो कि बरेली बाराबंकी से आता है, जिसके कारण दाम बढ़ गए हैं। उन्होंने बताया कि दाम बढ़ने की वजह से बिक्री कम हो रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवीन महवा मंडी में हरी मिर्च विक्रेता अभिषेक रवि विवेक मिथिलेश कुमार ने कहा, मिर्चा इतनी समय 600-700 रुपया पसेरी बिक रहा है किलो, 150। क्या कारण है, कितना माल है? कारण है कि इतनी समय बाहर से माल नहीं आ रहा है, इसी कारण मिर्चा बहुत मांग हो गया, बिक्री बिक्री सब डाउन चल रहा है। इतनी समय तो माल अपने ही एरिया का आ रहा है, आउट एरिया का बाहरी माल नहीं आ रहा है। मर्चा का प्रभाव बहुत ज्यादा है, बिक्री ग्राहक राग मर्चा नहीं ले रहे, बिक्री बहुत डाउन चला गया है। मेरा नाम विवेक है। मर्चा वही 500-400 पसेरी। क्या कारण है? बाहर से माल बहुत कम आ रहा है, बारिश की वजह से माल आ नहीं रहा है। क्या लग रहा है आगे भी अभी दाम बढ़ेगा? दाम बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे घटता जाएगा, कुछ उम्मीद है घटने का। हम लोग तो मंडी से लेते हैं, बाहर से मंगाते हैं सब। इसमें मतलब कहाँ से आता मर्च? रामपुर बरेली। बिक्री सब ठीक ठाक है, जनारा सब बिक जा रहा है, सब सरदार बिक जा रहा है, इतना महंगाई बिक जा रहा है माल। मिथिलेश कुमार। मंडी में मिर्चा क्या रेट बिक रहा है? 100 रुपए किलो। अच्छा, क्या कारण है कितने महंगा है? इसमें बारिश का मौसम है, इसमें मर्चा है नहीं, इसमें तो महंगा बिकेगा ही। कहाँ से आता है ये? आता है कहाँ से आता है जी? बाहर से आता है। बाहर से तो मंगवाते हैं, नागपुर कानपुर। हाँ ऐसा है। क्या लग रहा है, आवक कम है क्या? हाँ, इसमें मर्चा के बुआनी कम हो गई है। मर्चा इस समय 100-80 रुपए के जी बिक रहा है। क्या कारण है कितनी महंगाई? पहले क्या रेट था? पहले से कम कम 25-30% महंगाई बढ़ा हुआ है। क्या कारण? पहले तो 20 रुपए किलो बिक रहा था, 20 से 25, 40, 50, 80, अब इस समय 100-90 रुपए किलो बिक रहा है मर्चा। क्या कारण है कितनी महंगा? बरसात का मौसम है, पैदावार बहुत कम हो रहा है, और डीजल उजल भी महंगा हुआ है।
इसकी वजह से हो सकता है भाई महंगा। क्या लग रहा है कि मर्चा की कमी है क्या? मर्चा का कमी है कुछ? हाँ सही है, फायदा कम हो रहा है इसलिए महंगा। कानपुर से कहाँ कहाँ आता है मर्चा? बाराबंकी कानपुर यहीं से आता है। पैदावार कम है? पैदावार कम है तभी ना रेट ज्यादा है, पैदा ज्यादा रहा तो डाउन बिकता है। रवि मंडी में क्या रेट? 500 रुपये पसेरी भैया। क्या कारण है? अब क्या बोला, जब ये लेना पड़ेगा ही बेचना है। बाहर से ही आ रहा है भैया, क्या बोला जाए, अब बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई ही है। यही मंडी में से ही लेते हैं हम लोग। चलो 200 रुपये पल्ला। हाँ मंडी में से लेके मंडी में ही बेचते हैं। महंगाई का बरसात के मारे समय ले और कुछ भी नहीं। नहीं ज्यादा ही हो रही है, रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दिन पर दिन बढ़ ही जा रहा है। हाँ बढ़ेगा भैया, रोज बढ़ता ही है, 10-20 रोज बढ़ता है। बिक्री में जैसा मर्चा रहेगा, बढ़िया मर्चा रहेगा तो लेन देन में कुछ खराबी नहीं जाता है, बिक जाता है। महानगर में नगर निगम के द्वारा बरसात को देखते हुए सभी नालों की सफाई कराई जा रही है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि बरसात को देखते हुए महानगर के सभी छोटे बड़े मझले नालों की सफाई कराई जा रही है। इसके अलावा जहां से भी शिकायत प्राप्त हो रही है, हम लोग वहां पर कर्मचारियों को भेजकर साफ सफाई करवा रहे हैं और 260 पंप शहर के अलग अलग जगहों पर लगाया गया है, जिससे कि पानी भरता है तो पंप के माध्यम से पानी को निकाला जा सके। उन्होंने बताया कि जहां पर पोकलेन से सफाई नहीं करवाई जा सकती है, वहां पर सफाई कर्मियों से नाले की सफाई करवाई जा रही है, जिससे जल निकासी बाधित ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, बरसात में पूरे जल जो नगर निगम के माध्यम से जितने भी नाले हैं, चाहे बड़े नाले हों, छोटे नाले हों, मझोले नाले हों, उनका 3 बार हमने सिल्ट सफाई करा चुके हैं और अभी भी जहां जहां से शिकायत आती है वहां वहां से हम पहुंच के सिल्ट सफाई करा रहे हैं। साथ ही साथ 260 पंप हमारे विभिन्न शहरों के अलग अलग पॉइंट्स पे हैं, जहां पे जल भराव के चिन्हित जगह हैं, ताकि पानी अगर भरता है तो उसको तुरंत पंप आउट हम कर देते हैं। साथ ही साथ अभी भी जहाँ पे ऐसे नाले जहाँ पे पोकलैंड के माध्यम से सफाई नहीं कराई जा सकती है, मैकेनिकल में सफाई नहीं कराई जा सकती है, वहाँ पे मैनुअल हम अपने सफाई कर्मियों से नालों की सफाई करा रहे हैं, ताकि सिल्ट के कारण जल निकासी अवरुद्ध ना हो। इसके साथ साथ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत लो लाइंग है, जहाँ पे किसी ने तालाब में अपना घर बनवा लिया है, ऐसे घरों को भी चिन्हित कर रहे हैं। कुछ लोगों ने नालों पे अपने कुछ बनवा लिया तो उसको भी हम अतिक्रमण को हटवा रहे हैं। महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने बताया कि महानगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सड़क पर खड़े वाहनों का चालान किया जा रहा है, क्योंकि सड़क पर वाहन खड़ा होने की वजह से ट्रैफिक बाधित होता है। लोगों से पार्किंग स्थल पर वाहन को खड़ा करने के लिए बताया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग सड़क के किनारे ठेले खोमचे लगाकर सड़क पर अतिक्रमण किए हुए हैं, उसको हटवाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि यातायात पुलिस का सहयोग करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने कहा, गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम ऑपरेशन सुगम रखा गया है। 1 जुलाई का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सबसे पहले काली मंदिर से कचहरी चौराहे तक अभियान शुरू किया गया था। आज ही अभियान उसके आगे कचहरी चौराहा, शास्त्री चौराहा, बीतिहा था, आगे हनुमान मंदिर तिराहा तक किया जा रहा है, जिसके तहत रोड पर 4-व्हीलर या 2-व्हीलर वाहन जो काफी घेर तक खड़ा कर रहे हैं, पार्किंग में नहीं खड़ा कर रहे हैं, उनके खिलाफ चलाया जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल पर जो लोग पूरी लेन घेर तक खड़ा हो रहे हैं, उनके खिलाफ किया जा रहा है। बाकी जो अस्थायी अतिक्रमण करके सड़कों पर ठेले खोमचे और अपनी दुकानें बढ़ा के लगा रहे हैं, जिससे आवागमन में समस्या उत्पन्न हो रही है, उनके खिलाफ किया जा रहा है। इस संबंध में आम जनता को जागरूक भी किया जा रहा है कि यातायात पुलिस का सहयोग प्रदान करें, जिससे कि हम एक बेहतर यातायात व्यवस्था गोरखपुर महानगर में दे सकें। उनके खिलाफ यातायात नियमों के तहत चालान जुर्माने की कार्रवाई की। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद।
जनपद में अभी कुछ दिनों तक आगे भी वर्षा होगी, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में मौसम में परिवर्तन हुआ है जो कि काफी दिनों से हो रहा है, इसलिए कहीं धूप तो कहीं छांव है जो कि आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि कहीं पर रिमझिम बारिश हो सकती है और कहीं पर धूप होगी। मौसम विभाग के अनुसार अभी आगे भी वर्षा होगी। जनपद को येलो जोन में रखा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए ये मौसम का परिवर्तन हम लोग काफ़ी दिनों से भी दर्ज कर रहे हैं और ये इस तरीके का मौसम अभी आगामी दिनों में भी हम लोगों को देखने के मिलेगा। कुछ जगहों पे तेज बारिश हो सकती है, कुछ जगहों पे रिमझिम वर्षा भी हो सकती है, कुछ जगहों पे वर्षा ना भी हो सकती है। तो इस तरीके का जो स्कैटर्ड रेनफॉल है वो हर जगहों पर हो रहा है और ये अभी आगामी दिनों में रहेगा, क्योंकि IMD द्वारा ये अनुमान दिया गया है कि इस क्षेत्र में वर्षा बनी रहेगी और येलो जोन में पूरे क्षेत्र को अभी इधर रखा गया है। मंडलायुक्त अनिल डेंगरा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मरौनी बंधे का औचक निरीक्षण किया, ग्रामीण वासियों से उनकी समस्याओं को जाना, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मलौनी बंधे का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही दो बाढ़ चौकी सेमरा देवी प्रसाद बाड़गों का निरीक्षण किया है, वहां पर उपस्थित ग्रामीणों से बात भी किया है। उनकी जो समस्याएं थी उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उसके बाद तरकुलानी रेगुलेटर का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से बाढ़ के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर ADM फाइनेंस विनीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, आज माननीय आयुक्त महोदय गोरखपुर मंडल गोरखपुर द्वारा जो मलौनी तटबंध है उसे आच्छादित क्षेत्रों का द्वारा निरीक्षण किया गया है। इस दौरान सर ने दो बाढ़ चौकियों का भी निरीक्षण किया और जो सेमरा देवी प्रसाद और बड़गो का, और वहां पर उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से वार्ता भी की और जो समस्याएं थी उसके सामने उसके संबंध में अवगत भी हुए और संबंधित जो वहां पे डिपार्टमेंट्स के लोग थे उस समय सिंचाई विभाग के CVO डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट्स के लोग थे PWD के उनका आवश्यक दिशा निर्देश भी सर द्वारा दिया गया। उसके बाद सर ने तरकुलानी रेगुलेटर का भी सर ने निरीक्षण किया और इस दौरान जो भी परियोजनाएं उस संबंधित बाढ़खंड द्वारा तटबंधों की सुरक्षा के लिए संचालित की जा रही थी उसका भी सर ने भौतिक निरीक्षण किया और समुचित दिशा निर्देश संबंधित विभागों को दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों के अधिकारियों के साथ बाढ़ की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जनपदों के अधिकारियों से बाढ़ की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कहीं पर भी किसी तरह की समस्या न आने पाए, सभी जनपद बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण कर शासन को रिपोर्ट भेजें। इसके अलावा बाढ़ को देखते हुए बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा जाए और राशन किट पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थित कर ली जाए और जिन गांव में बाढ़ आती है वहां के लोगों से संपर्क स्थापित किया जाए, जिससे कि यदि बाढ़ आती है तो तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, CDO संजय कुमार मीना, ADM फाइनेंस विनीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 60,047 किलोमीटर जो हमारे मेन एरियाज पर फ्लड से प्रोन है, ऑरेंज जोन इज दी सीरियस, तो हमारा येलो है वो जो ड्राई येलो है, अगर पानी काफी सुधर गया है दिस इज दी सेंसिटिव टाइम सेंसिटिव एरियाज इन प्रदेश का है। रामनगर में बिजनौर है अभी यहाँ पे रिलेटिवली शांति है। नेक्स्ट सर, ये रेनफॉल का डेटा है, रेनफॉल का आशय ये है कि जो 20 साल का डेटा है उसके अनुसार ये मॉडल रेनफॉल को लास्ट ईयर इट वाज डेफिसिट रेनफॉल 43.2 mm हुआ था, दिस टाइम इट इज 72.8 mm हुई है, विच इज ऑलमोस्ट 120%, तो क्यूमुलेटिवली इट इज 194.7 mm और पोस्ट कंपेरेटिव टू द नॉर्मल रेनफॉल। Last year it was quite less rainfall. Next, if you see, because of the last year, the total pattern has changed. Last year, the distance. Next, ये सब हमारे जनपद हैं जिनमें rainfall above 100% normal हुई है। सहारनपुर, फिरोजाबाद, एटा, बदायूं, बिजनौर, बागपत, हमीरपुर, कासगंज। Next, महोबा, मुरादाबाद, आगरा। 24 में वर्तमान में डिस्चार्ज चल रहा है सर, भीम दौरान वो 1.61 लाख क्यूसेक्स है।
तो वी आर फार बिहाइंड दी हाईएस्ट 0.53 हाईएस्ट 2010 में था, अभी 0.45 क्यूसेक्स में। यमुना जी में पानी अभी 1.10 लाख क्यूसेक वाली हाईएस्ट वर्तमान में 0.25 है, और शारदा में भी गिर रहा पानी का लेवल। सरयू जी में 1.23 राइट नाउ। जिला सहकारी बैंक के सभागार में सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन विजय प्रताप सिंह ने बताया कि फसलों के बड़ा हो जाने के बाद यूरिया का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि फसल अच्छी हो, जिससे फसल की अच्छी पैदावार होती है, जिससे किसानों को अच्छा लाभ होगा। उन्होंने बताया कि नैनो यूरिया का छिड़काव करने के लिए 60 किसानों को मशीन का वितरण किया गया है। करना क्या है कि ये टंकी जो 15 लीटर की है आपकी, उसमें शाम को 202 मिलता है, उसमें 20 रुपया सर इसको बचत होती है, बचत तो 23 रुपया होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन विजय प्रताप सिंह ने कहा, ये मशीन जो डीएपी और नैनो डीएपी जो मिला कर छिड़काव करने के लिए, जो पत्ते जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है उसके बाद उसका छिड़काव होता है तो पत्तों पर पड़ता है, अगर पत्ता नहीं रहे छोटे कर देंगे तो ज़मीन पर चला जाएगा और नुकसान हो जाएगा, इसी नाते ये जब थोड़ा बड़ी फसल हो जाती है तब छिड़काव किया जाता है इसका। और इससे ये होता है कि किसान को अच्छी पैदावार मिलती है, और उसकी लागत जो पहले खाद दिया जाता था उस हिसाब से जो डालते थे अनियमित, उससे इसमें लागत कम होगी और पैदावार ज़्यादा होगी, तो किसान को बहुत लाभ होगा, अच्छी पैदावार होगी, लागत भी कम लगेगी, उसकी सहयोगी जो खाद है एक साथ जितना उसकी मात्रा है वो उतनी मात्रा डालें, कम बेसी डालेंगे तो ज़मीन का भी नुकसान होता है, पैसे का भी नुकसान होता है, पैदावार भी कम होती है। इसलिए जो अभी अभी लोगों ने बताया है उसी मात्रा में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सहयोगी खादें जो अपने मात्रा में उसी मात्रा में डालें, कम या बेसी न डालें, तो आप पैदावार बहुत अच्छी पाएंगे, किसानों का बहुत लाभ होगा। कितने किसानों को वितरित किया गया? ये जो है मशीन तो जितने सचिव आए हैं 60 लोगों को दिया गया जी। हाँ, 60 लोगों को दिया गया ये मशीन जो छिड़काव करने वाली है, सचिव जी, सचिव को, सोसाइटी के सचिव को। अपना नाम और पता? हम जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन हैं, विजय प्रताप सिंह मेरा नाम।